अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से पूरी हो चुकी है। करीब 500 साल के इंतजार के बाद रामलला के मंदिर में विराजने का साक्षी पूरा देश बना। मंदिर के लिए अलग अलग हस्तियों ने अरबों का दान किया। इसी बीच रिपोर्ट्स सामने आए हैं जिनमें बताया गया है कि राम मंदिर को करोड़ों रुपए कैश से लेकर सैकड़ों किलो सोना तक दान में मिला है। राम मंदिर के लिए पटना के हनुमान मंदिर से लेकर कथावाचकों और अरबपतियों ने करोड़ों का दान किया है। व्यक्तिगत दान की बात करें तो भव्य राम मंदिर बनाने के लिए अब तक सबसे ज्यादा दान आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मुरारी बापू ने दिया है। इन्होंने राम मंदिर के लिए करीब 11 करोड़ 30 लाख रुपए दान दिए हैं। इसके अलावा मुरारी बापू के फॉलोअर्स ने भी काफी ज्यादा फंड राम मंदिर में दान देने के लिए इकट्ठा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सबको जोड़ दें तो ये रकम करीब 18 करोड़ 60 लाख तक पहुंच जाती है। वहीं राम मंदिर के लिए गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। इसके अलावा मुकेश अंबानी परिवार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2 करोड़ 51 लाख रुपए का दान दिया है। वहीं दावा किया जा रहा है कि सूरत के कारोबारी ने अब तक राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा दान दिया है। हीरा कारोबारी दिलीप कुमार लाखी ने 101 किलो सोने का भारी भरकम दान किया है। इसकी कीमत करीब 68 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि सोने का इस्तेमाल दरवाजों, त्रिशूल और डमरू में किया गया है। इसके अलावा सूरत कारोबारी मुकेश पटेल ने भगवान राम की मूर्ति के लिए 11 करोड़ रुपए का स्वर्ण मुकुट उपहार में दिया है, जो कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है और इसका वजन 6 किलोग्राम है। इसमें 4 किलो सोना है, जबकि हीरा और दूसरे कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। वहीं पटना के महावीर मंदिर की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए दान में दिए गए हैं। महावीर मंदिर ने साल 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में राम मंदिर के लिए 2-2 करोड़ रुपए करके किसी मंदिर की तरफ से 10 करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा दान दिया है। पटना के महावीर मंदिर की तरफ से सोने का तीर धनुष भी भेंट किया गया है। बता दें कि राम मंदिर के लिए देश भर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चंदा आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 5,500 करोड़ रुपए का दान राम मंदिर को मिल चुका है और दान की रकम तेजी से ऊपर जा रही है। राम मंदिर में डोनेशन के लिए डिटेल्स श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वेबसाइट पर भी शेयर किया है। बता दें कि 22 जनवरी को पीएम मोदी ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस कार्यक्रम में अरबपतियों से लेकर सेलिब्रिटीज और साधु संतों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद शाम को दीपोत्सव मनाया गया था। इस दौरान पूरे देश में दिवाली जैसी धूम थी। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।